अच्छा बेटी, जो हमारा पहला लेक्चर है जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने वन शॉट लेक्चर सीरीज के अंदर, इसका बेसिक है क्या? ये इसमें हम करेंगे क्या, इसको आप एक तरह से ये समझ लो कि हम लोग जो है ना इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे हैं इंटर के अंदर, इसको हम एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हुए जाएंगे। अब एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है भाई? एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि यार सर, जिस इसमें से जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मैं आपको सारे बताता जाऊंगा दरमियान, ठीक है? और वन शॉट का मतलब ये है कि भाई कोशिश होगी कि यार इसी पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर ये जो हमारा लेक्चर है ना, विद ऑल द पास्ट पेपर एमसीक्यूज जो आए हुए हैं हमारे, वो इसके अंदर हमारा मुकम्मल हो जाए, ठीक है? ताकि जब आप इन केस पेपर से पहले भी एक बार रिवाइज करने बैठो ना, तो एक वीडियो मतलब एक चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा हो अच्छे तरीके से। इसलिए मैंने आगे एप्टीट्यूड टेस्ट लिख दिया है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब वही है, वो जो हमारे पास अपना पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दो ही एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज चलती है, एक ई कैट होता है और एक हमारे पास एम डी कैट होता है। अच्छा, सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आपने अपने बनाए हुए होते हैं, तो साथ साथ जो है ना वो दाएं बाएं और कोई भी मंजन बेचने के बजाय प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ठीक है? नोट्स बनाते जाओगे तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है? चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारे पास इस पूरे चैप्टर के ना कुल मिला के दो पार्ट है। पहला पार्ट हमारा हीट से डील करेगा, दूसरा पार्ट हमारा डील करेगा थर्मोडायनेमिक्स से। शुरू करते हैं हीट से। देखो बेटे, हीट हमारे पास क्या होती है? हीट हमारे पास एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि ट्रांजिशन में होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि मूव कर रही होती है। ट्रांजिट जो है ना, ट्रांजिट का लफ्ज लफ्जी तौर पे निकला है मूवमेंट से, ठीक है? तो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बेसिकली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब सवाल ये आता है कि जब भी हम कभी मूव करते हैं तो हम कहीं से कहीं जाते हैं, तो हीट कहाँ से कहाँ जाती है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, हम अपने डेली रूटीन से ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो है ना एक होती है जिसको हम कहते हैं गर्म बॉडी, एक होती है बच्चे जिसे हम कहते हैं ठंडी बॉडी। तो आपके पास क्या होता है, जो गर्म बॉडी होती है ना, गर्म मतलब जिसको आप इंग्लिश में हॉट बॉडी कह सकते हो, और एक हमारे पास होती है ठंडी बॉडी, ठीक है? ठंडी मतलब जिसको आप कोल्ड बॉडी कह सकते हो इंग्लिश की दुनिया में, ठीक है? अब होता क्या है मेरा बेटा, हमारे पास अभी आपको और भी रीजन बताऊंगा हीट कैसे फ्लो करती है। तो हीट हमेशा क्या करती है बच्चे, हीट हमेशा फ्लो कर रही होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हीट का नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? अब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि यार हमारे पास हीट की एसआई यूनिट क्या है, तो जनाब हीट की एसआई यूनिट वही होगी जो किसी भी एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, यानी कि जूल्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ठीक है? और कौन कौन सी यूनिट हो सकती है हीट की, अगर मैं आपसे पूछूं तो? अदर यूनिट्स ऑफ हीट हो सकती है हमारे पास बीटीयूज हो सकती है, ठीक है? वो एक BTU के अंदर 1055 जूल्स होते हैं। सिमिलरली आपके पास अर्ग हो सकती है, अर्ग एक और यूनिट है, CGS के अंदर होती है ये यूनिट, जो आपकी 2.5 सेंटीमीटर वाली यूनिट है ना, वो ये बेसिकली अर्ग है आपकी। तो और ये आपके पास क्या हो सकती है, कैलोरीज भी हो सकती है, ठीक है? जैसे आपके पास होता है एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, एक BTU में 1055 जूल्स होते हैं, इसी तरह से अर्ग और जूल की रिलेशन भी देख लेना, ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास हीट को मेजर, जाहिर सी बात है हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होती है। जैसे करंट को सेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर होता है, इसी तरीके से हमारे पास हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास कैलोरीमीटर नाम की एक डिवाइस होती है। अच्छा, कैलोरी मीटर के आपने शायद न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिकल भी करे होंगे, जो आपका सिंध बोर्ड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है सेकंड ईयर के अंदर, जिसमें आप न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाई करते हो, वो कैलोरी मीटर पे ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? तो हीट क्या है भाई, हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हॉट बॉडी है कौन, कोल्ड बॉडी कौन है, अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात जो हमारे जहन में आती है वो ये आती है कि हीट जब फ्लो करती है, तो हमने देखा है कि हीट के फ्लो करने के ना तीन डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, कंडक्शन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है और रेडिएशन हो सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे हीट एनर्जी रेडिएशन से फ्लो कर रही है मिसाल के तौर पे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर जो आप बात पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी, आगे पीछे भी, वो सारी की सारी किस पर पढ़े होगे आप, रेडिएशन में पढ़े होगे। अब जाहिर सी बात है, जब हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्लो करेगी, तो वो फ्लो करती है हीट वेव्स की फॉर्म। किस फॉर्म में फ्लो करती है बेटे, हीट वेव्स की फॉर्म में। अब सवाल आता है हीट वेव्स कैसी हैं, जैसे वेव्स की टाइप होती है ना, कोई ट्रांसवर्स वेव होती है, कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो हीट वेव के बारे में याद रखिएगा, हीट वेव कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये आपके एनईडी के
पास पेपर का एक क्वेश्चन है, हीट वेव इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही होती है, जैसे लाइट है फॉर एग्जाम्पल। ये जो लाइट वेव होती है ना, जिसकी स्पीड आपको पता होती है 3 × 10⁸ m/s, ये जो लाइट वेव है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसकी स्पीड। अच्छा सर, क्या हीट वेव की भी स्पीड 3 × 10⁸ होती है? बिल्कुल बेटे, जितनी भी आपके पास जिसे कहना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चाहे वो एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, या विजिबल रेज है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी एयर के अंदर स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ m/s। तो ये हीट के बारे में थोड़ी कहानी आती है। अच्छा सर, अब टेम्परेचर में क्या फर्क आ गया? देखो बेटे, टेम्परेचर जो है ना, इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से याद रखना, टेम्परेचर जो है ना बेटे, टेम्परेचर जो है ना, वो डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी के ऊपर, या इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और आसान कर लो, यानी कि अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसे मेरे पास, हमें बचपन में जब कभी सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हमें पता होता है यार, सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर ना, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जो कि टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक से मुराद ये कि वो सिर्फ वाइब सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड के अंदर टाइटली पैक नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या है, ये टाइटली पैक्ड है और ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे होते हैं, दिस टू एंड फ्रो मूवमेंट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो भी टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब जितनी भी तरह की एनर्जी है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो जो भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी हो सकती है ना, जब आप इनको जमा करोगे तो वो बनती है हमारे पास मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो वो बेसिकली क्या होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है, ठीक है जनाबी वाला। अब होता क्या है, टेम्परेचर डिपेंड करते हैं इंटरनल एनर्जी पे। जब हम कहते हैं ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई? देखो, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंटरनल एनर्जी की मदद से कर क्या रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर लिक्विड है तो टू एंड फ्रो के बजाय आगे पीछे जा रहे होंगे, गैस है तो और ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जब सॉलिड है तो उसमें क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। वाइब्रेशन होता है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा इधर गया, ये थोड़ा इधर आया, ये जो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, इसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब आप इसका तापमान बढ़ाओगे, तापमान से क्या बोला, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका जो वाइब्रेशन होती है ना, उसको हम किताब की जबान में कहते हैं कि वो ज्यादा विगरस हो जाती है। विगरस से क्या मुराद है, अगर इसका उर्दू तर्जुमा करें ना, तो विगरस से मुराद होती है जंगली हो जाती है। जंगली से क्या मुराद है, यानी कि पहले अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रहा था ना, तो अब बहुत ज्यादा आगे पीछे मूव कर रहा होगा, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट करने का जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, कि कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, या कितनी ताकत से आगे जा रहा है, या कितनी तेजी से आगे जा रहा है, वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर ये चीज होती है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम कहते हैं ना एक बॉडी हॉट है, जहां से हीट एनर्जी, ये बेसिकली मैंने बात की थी ना कि हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बेसिकली मूव कर रही होती है। तो जो हम कह रहे थे ना कि हीट फ्लो कर रही है या मूव कर रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। वो या कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कोल्ड बॉडी के जो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कैसी होती है, कम होती है। वो या कि इसका टेम्परेचर अपने पास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। आपने टेम्परेचर के अंदर एक फॉर्मूला और भी देखा होगा, या टेम्परेचर के ऊपर ही आपने एक कॉन्सेप्ट और भी देखा होगा कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इन अ बॉडी। ये भी वही बात है कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। या इसको हम ये भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोला है सर,
देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास टेम्परेचर डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी तरह की एनर्जीज है उन सबका मजमुआ, सम, बेसिकली क्या होती है इंटरनल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मॉलिक्यूल के पास हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ये भी बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा होता है आपके पास, टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग वॉट, टेम्परेचर। तो जब आप इंटरनल एनर्जी का एवरेज कर लोगे, यानी कि एक किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, वो टेम्परेचर हो जाएगी, ठीक है जनाब। अब सवाल ये आता है, सर हीट को मेजर करने के लिए तो हमारे पास होता है कैलोरी मीटर, टेम्परेचर को आप कैसे मेजर कर सकते हो? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास हुआ करता है थर्मामीटर, ठीक है। अच्छा, थर्मामीटर के अंदर आप जो चीज यूज करते हो ना थर्मामीटर को मेजर करने के लिए, जैसे हम लोग जब बुखार, हमें अगर हम में से किसी को खुदा ना खास्ता बुखार हो जाता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक थर्मामीटर यूज करते हैं। उस थर्मामीटर के अंदर जो चीज ऊपर नीचे मूव कर रही होती है ना, जिसको झटका देते हैं तो वो पहले नीचे आ जाती है, फिर बुखार वाले बंदे के मुंह में उसको रखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है उसमें वो चीज ऊपर मूव करती है जिसकी रीडिंग हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है, मरकरी होती है। ये जो मरकरी होता है ना बेटे, ये मरकरी बेसिकली हमारे पास कहलाता है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ये क्या कहलाता है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है बेटे, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस से मुराद होती है वो चीज जिसको आपने थर्मामीटर में यूज किया है और उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो थर्मामीटर में चेंज हो रही होगी। बेजाहिर है आपने कोई अगर एक चीज यूज करी, कोई ऐसा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज करा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर ज्यादा या कम है, तो उससे आप रीडिंग कैसे ले सकते हो? तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, वो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि चेंज हो रही होती है। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकती है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे मरकरी के अंदर क्या होता है, मरकरी के अंदर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमिना आता है, जो भी हम देखेंगे भी थोड़ी देर में। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि यार जब कभी भी आपका कोई मेटल है, आपने उस मेटल को हीट किया, तो जो मेटल को आप हीट करते हो तो टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा होता है, तो वो मरकरी क्या करता है, आपका एक्सपेंड कर जाता है, और उस स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है, हम वो रीडिंग पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है अगले बंदे को कितना बुखार है। तो थर्मामेट्रिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी मदद से आप अपना थर्मामीटर बना रहे होते हो। तो थर्मामेट्रिक सब्सटेंस से मरकरी है, मरकरी की लेंथ चेंज होती है हीट देने पर। ऐसे भी थर्मामेट्रिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, वो भी यूज हो सकते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनका कलर चेंज होता है, वो भी यूज हो सकते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट चेंज होते हैं, वो भी यूज हो सकते हैं। तो मैट्रिक क्लास में अगर पढ़ना होगा तो मैट्रिक क्लास में एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की हुई है, उसको देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अच्छा, ये जो हम लोग नॉर्मली थर्मोमीटर घरों में यूज करते हैं, जो हमारे पास होता है ना जिसमें मरकरी यूज होता है, वो बेसिकली हमारे पास कहला रहा होता है लिक्विड फिल्ड, लिक्विड फिल्ड मरकरी ग्लास थर्मामीटर, ये इसका नाम होता है, याद रखना, लिक्विड फिल्ड थर्मामीटर, ठीक है। ओह माशाल्लाह, ये होता है, ठीक है। लिक्विड फिल्ड मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर, ये जो होता है जो हम लोग कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो हमारे पास थर्मामीटर होते हैं ना, इनका स्केल कैसे बनता है या और कौन कौन से यूनिट होते हैं? देखो हमारे पास थर्मामीटर के ऊपर जो टेम्परेचर आप मेजर करते हो ना, इसको मेजर करने की जो ऐसा यूनिट है वो तो याद रखना क्या होती है, केल्विन होती है। अब अक्सर एक सवाल आता है, सर ये जो केल्विन है ये बेसिकली हमारे पास कैसी यूनिट है या ये क्या चीज है? ये केल्विन जो है ना वो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है और ये वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है। आपको याद होगा ये चीज कि हमारे पास जो है ना वो टोटल सात फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये सात बेस यूनिट्स होती है, ठीक है। उस सात में से एक बेस यूनिट हमारे पास कौन सी है,
टेम्परेचर की है, और वो बेसिकली क्या है, केल्विन है, ठीक है। तो वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल यूनिट्स में से आती है। जो भी थर्मामीटर आपका केल्विन में रिप्रेजेंट हुआ होता है ना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। जो भी टेम्परेचर आपका केल्विन में रिप्रेजेंट हुआ हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जहन में ना अक्सर एक चीज आती है चार्ल्स लॉ के ग्राफ से, वो जो एब्सोल्यूट जीरो। देखो बेटे, एब्सोल्यूट जीरो एक अलग कॉन्सेप्ट है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो जो आप लोगों ने कभी अपने सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए पढ़ा होगा ना, -273.16 डिग्री सेल्सियस, वो होता है एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज समथिंग एल्स। ये बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो चार्ल्स लॉ की ग्राफ की एक्सटेंशन है, जहां पे आपका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो वो अलग चीज है। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। कोई भी आपके पास ऐसा टेम्परेचर जिसको आपने केल्विन में रिप्रेजेंट किया है, वो बेसिकली क्या कहला रहा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कि यार हमारे पास ना अदर यूनिट्स कौन कौन सी होंगी इसकी, यानी कि और यूनिट्स कौन सी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस हो सकती है हमारे पास एक यूनिट, और एक यूनिट हमारे पास कौन सी हो सकती है, केल्विन तो हमने ऑलरेडी पढ़ी ली है, और कौन सी हो सकती है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर से ना एक तरह के क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, वो बेसिकली ये होते हैं कि यार आप ना ये बताओ कि इनकी आपस में कन्वर्जन किस तरह से हो सकती है। तो कन्वर्जन में देख लो, देखो हमारे पास जो स्केल ऑफ थर्मामीटर होता है ना, उसको बनाने का ना बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है। स्टैंडर्ड तरीके से यह मुराद होती है कि आप जो है ना, आपका जो स्केल है उसको आप एक फिक्स पैटर्न में बनाते हो हर थर्मामीटर के स्केल को, ठीक है। कैसे, आपके पास ना दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ये भी याद रखना, ये भी पास पेपर का एक एमसीक्यू है। किसी भी स्केल को थर्मामीटर के कैलिब्रेट करने के लिए आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छी तरह से देख लेना किसका बॉइलिंग पॉइंट लिया है, पानी का। और कौन सा होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का मेल्टिंग पॉइंट है। सर क्या जो आपने अभी मर्करी फिल्ड लिक्विड ग्लास थर्मामीटर पढ़ाया था उसके अंदर भी यही होता है? बिल्कुल, उसमें भी यही होता है। तो सर मर्करी क्यों यूज करते हैं, मर्करी उसको एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज करते हैं। मर्करी की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड करता है। अब कोई बंदा जब बुखार में है तो अल्टीमेटली जब आपने उसके मुंह के अंदर वो थर्मामीटर इंसर्ट किया हुआ है तो वो हीट उसे मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा होगा, वो एक्सपेंड कर रहा होगा, ठीक है। यूज हम यही करते हैं, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है जनाबी वाला। अब देखो जरा स्केल किस तरह से बनाते हैं, देख लेना जरा। देखो हमारे पास दो पॉइंट होगा, एक को हम कहते हैं, एक होता है हमारे पास लोअर पॉइंट, और लोअर पॉइंट कौन सा वाला होता है, लोअर पॉइंट बेसिकली होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक होता है हमारे पास जनाबी वाला अपर पॉइंट, अपर पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है, अपर पॉइंट हमारे पास होता है मेल्टिंग पॉइंट, और ये हमेशा पानी का ही होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर एक हमारे पास इसके अंदर चीज होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स। डिविजन्स क्या होते हैं, जैसे आपके सामने अगर आपके पास वो जो आपका मेजरिंग स्केल होता है अगर वो पड़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर वो जो डब्बे मार्क हुए हुए होते हैं ना, जो लाइनें मार्क हुए हुए होती हैं, हर दो लाइन के दरमियान में जो एक कंसेक्यूटिव डब्बा होता है वो बेसिकली होता है आपका मेजरिंग डिविजन, ठीक है। अब आ गया डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ आ जाएगा अपने पास केल्विन, ठीक है। चलो डिग्री सेल्सियस में कहाँ पे भाई आपका पानी बेसिकली मेल्ट कहाँ पे करता है, जो लोअर पॉइंट होता है ना आपका, लोअर पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है और अपर पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलो कहाँ पे आपका जो पानी है वो मेल्ट कहाँ पे करता है, या आइस में कहाँ कन्वर्ट होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। सिमिलरली अपर पॉइंट कहाँ पे आएगा, बॉयल कहाँ पे होता है आपका पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में अगर ये चीज देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में ये चीज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 273, और उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, 373। ये उठ के हमारे पास इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अब ये आपने एक चीज मालूम कर ली, अब इसमें से नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल लें। नंबर ऑफ डिविजन निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो ये होता है, आप क्या करोगे, जो भी आपको मेल्टिंग पॉइंट या अपर पॉइंट दिया हुआ है इसमें से माइनस कर दोगे, या जो भी आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आप बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस कर दोगे किसको, अपने मेल्टिंग पॉइंट को। जैसे देखो 100 में से जीरो निकाला, इसका मतलब इसके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, 100। 212 में से 32 निकाला, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 180। 370 से 273 निकाला, मतलब कितने हैं, 100। अब जरा गौर से समझना, यानी कि आपको ये चीज नजर आ रही है, देखो
बेटे यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पानी लिक्विड स्टेट से आइस स्टेट में कन्वर्ट होता है, या आइस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट से मुराद वो जगह है जहां पे आपका पानी लिक्विड से वेपर में या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो ये जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, ये सारे के सारे जो है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को शो कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी पानी बॉयल होता है, 373 केल्विन पे भी पानी क्या होता है, बॉयल हो रहा होता है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो, जैसे मैं आपको कहता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 100 रुपए का नोट लूं, 1 100 रुपए का नोट लूं, या 2 50 रुपए के नोट लूं, या मैं 5 20 रुपए के नोट लूं, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना, यार मुझे बताओ कि इन सब में ना सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 1 100 रुपए के नोट की ज्यादा वैल्यू हो, 2 50 के नोट की ज्यादा वैल्यू हो, या 5 20 के नोट की ज्यादा वैल्यू हो? तो आप बोलोगे, देखो इन टर्म्स ऑफ नोट्स तो ये अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटेटिवली या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है आपके पास, वो ये 5 20 के नोट, 2 50 के नोट और 1 100 का नोट, ये जो अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूंगा, तो वैल्यू वाइज दे आर इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि भाई देखो, नंबर भले अलग है, लेकिन मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कैसी है? सेम है ना? ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसे ये बात यहाँ पे आ रही है। 0 डिग्री सेल्सियस उसी स्टेट को शो कर रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, जिसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शो कर रहा है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे कितना है? 32 डिग्री है। सिमिलरली 32 डिग्री का इक्विवेलेंट टेम्परेचर केल्विन पे कितना है? 273 है। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। या 212 का इक्विवेलेंट कितना है? 373 है। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर है 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये बराबर है 100 डिविजन्स ऑन केल्विन के। भले नंबर और डिविजन्स अलग अलग हों, लेकिन जो ये बात बता रहे हैं सारे के सारे, वो कैसी है? सेम। डिग्री सेल्सियस के 100 डिविजन में भी आप मेल्टिंग पॉइंट से कहाँ जा रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक जा रहे हो। फ़ारेनहाइट के भी 180 डिविजन में आप कहां से कहां जा रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक जा रहे हो। केल्विन के भी 100 डिविजन में आप कहां से कहां जा रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक जा रहे हो, मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसी से हमारे पास जो है ना, वो 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर के अंदर। क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनको इक्वेट करूं, तो ये क्या बनता है? ये हमें ये पता चलता है, 100 डिविजन डिग्री सेल्सियस के ऊपर इक्विवेलेंट है 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बेसिक मैथ्स तो आपकी अच्छी होगी, अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? ये बन जाएगा 1 डिविजन ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर होगा किसके? 1.8 डिविजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। इसका मतलब समझना बच्चे, इसका मतलब ये है डिग्री सेल्सियस का 1 डिविजन इक्विवेलेंट है डिग्री फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो डिवीजन चेंज है, अगर अगर डिवीजन चेंज डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 है, तो इसका मतलब उसी वक्त में डिवीजन चेंज फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? 1.8 डिवीजन्स का चेंज आएगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मिसाल के तौर पे आपने एक ऑब्जेक्ट को हीट करना शुरू किया, हीट करने की वजह से 10 डिवीजन चेंज हुए, कहां पे? भी पहले कोई टेम्परेचर था। अच्छा, डिवीजन चेंज से क्या हो रहा थी? मिसाल के तौर पे पहले डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर था वाई, अब क्या हो चुका होगा? अब हो चुका होगा y+10। ये जो 10 डब्बे ऊपर गया है ना, इसको कहते हैं डिवीजन चेंज, ठीक है। 10 डिवीजन चेंज हुए डिग्री सेल्सियस पे, आपको बोल रहे बताओ हाउ मैनी नंबर ऑफ डिविजन चेंजेस ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बोलोगे सर टेंशन ही कोई नहीं है, हमें ये चीज पता है। क्या चीज पता है? कि 1 डिविजन डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट है 1.8 डिविजन डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा अगर 10 डिविजन डिग्री सेल्सियस में चेंज होंगे तो कितने होंगे?
18 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अगर जैसे डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले टेम्परेचर वाई था और जब आपने इसको हीट करा तो हीट करने की वजह से क्या हुआ, 10 डिवीजन चेंज हो गए। 10 डिवीजन चेंज का मतलब नया टेम्परेचर कितना है, वाई प्लस 10। तो इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर पहले टेम्परेचर एक्स था, जब आपने उसको यही वाली हीट प्रोवाइड करी ना जो आपने डिग्री सेल्सियस वाले उसमें करी थी, अब जो नया टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 18 हो जाएगा। ये बताने का मकसद है कि यहाँ पे आपके पास जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 डिवीजन का चेंज आ रहा है, एंड एट द वेरी सेम टाइम जो फ़ारेनहाइट की करंट रीडिंग में चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 18 का चेंज आएगा। ये मतलब था इसका। और इसी से आप एक और चीज ये भी नोट कर सकते हो, देखो डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन्स के बराबर है, यानी कि इससे हम ये बता सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के एक डिवीजन से बड़ा होता है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है, एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस, देखो मैं ये कह रहा हूँ डिग्री सेल्सियस का जो एक डिवीजन है ना ये बड़ा है डिग्री फ़ारेनहाइट के एक डिवीजन के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस पे जब एक चेंज होता है ना, फ़ारेनहाइट पे 1.8 चेंज होता है, यानी कि 100 रुपए का जो नोट है वो 2 50 के नोट के बराबर है। तो 100 रुपए के एक नोट की जो वैल्यू है वो 1 50 रुपए के नोट की वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि 100 रुपए को बनाने के लिए आपको 2 50 रुपए चाहिए, 200 रुपए बनाने के लिए आपको 4 50 रुपए चाहिए होंगे। तो एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस का 1.8 डिवीजन फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो 2 डिवीजन बनाने के लिए आपको उसके 3.6 डिवीजन चाहिए होंगे। तो डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बड़ा है एज कम्पेयर टू डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम केल्विन का और इसका डिवीजन कंपेयर करें तो हमें ये चीज पता है, 100 डिवीजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है या इक्विवेलेंट है, ये देखो ऊपर लिखा है ना, अभी हमने 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस 180 ये थे और ये कितने थे, 100 थे। तो 100 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 100 डिवीजन्स ऑन केल्विन स्केल के। इसी से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके, 1 डिवीजन ऑन केल्विन स्केल के। यानी कि अगर आप डिग्री सेल्सियस पे एक डिवीजन चेंज करते हो तो केल्विन पे भी एग्जैक्टली एक ही डिवीजन चेंज होगा। ये रीजन है जब आप अपने इंटर के अंदर डेल्टा टी निकालते हो ना, इंटर के न्यूमेरिकल करते हुए डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालते हो, तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे आप केल्विन में निकालो, आंसर हमेशा कैसा आता है, सेम आता है। टीचर भी आपको कहता होगा भले डिग्री सेल्सियस में रह रहे हो केल्विन में ना निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज थी हमारे पास। तो अब इस चीज को देख लेना कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के जो नंबर ऑफ डिविजन है वो हमारे पास कैसे हैं, सेम है। तो अगर 5 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे चेंज होंगे तो 5 ही डिवीजन किस पे चेंज हो रहे होंगे, केल्विन पे चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन और बन जाता है। अब इसी के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, वो हमारे पास क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंट टेम्परेचर का। अच्छा, अब इक्विवेलेंट टेम्परेचर से क्या मुराद होती है या इक्विवेलेंट टेम्परेचर के अंदर क्या सीन होता है। इक्विवेलेंट टेम्परेचर में ना सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे अभी सराउंडिंग का कोई ना कोई टेम्परेचर हो रहा होगा, आपने क्या करा, आप जो है ना वो 3 थर्मामीटर लेके चले गए, एक केल्विन में मेजरमेंट करता है, एक डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करता है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करता है। आपने तीनों थर्मामीटर को रखा, मिसाल के तौर पे डिग्री सेल्सियस के ऊपर रीडिंग आ रही है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग आ रही है, अब इसकी इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ रीडिंग उस वक्त फ़ारेनहाइट पे भी आ रही होगी और इसकी इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ रीडिंग किस पे आ रही होगी, केल्विन पे भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होती है ना, जो जब जब डिग्री सेल्सियस पे 40 शो हो रहा है, यहाँ पे जो भी आ रही है और यहाँ पे जो भी आ रही है, ये हमारे पास कहलाते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर्स। जैसे जब मैंने आपको स्टार्ट में टेबल बनाना सिखाया था ना, तो उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट पे कितना था, 32, और 32 का इक्विवेलेंट केल्विन में कितना था, 273। बताने का मकसद ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस इंटरनल एनर्जी की जिस स्टेट को शो कर रहा है, केल्विन पे 273 भी उसी जगह को शो कर रहा है, फ़ारेनहाइट का 32 भी उसी जगह को शो कर रहा है। अब इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूले तो वो आपने अपने उसके अंदर याद किए होंगे, जो आपका वो था ना, जिसे कहना चाहिए
इंटर के अंदर याद किए होंगे ना, वो 5/9 और 9/5 वाले। अब इसके अंदर आसान तरीका मैं आपको करने का बता देता हूँ, ठीक है? उसके अंदर वो फॉर्मूले भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। जनरल तरीका है हमारे पास, हमें किसी भी कभी भी निकालना हो ना तो हम तरीकेकार क्या यूज करते हैं, तरीका ये होता है टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन स्केल या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्केल। मेल्टिंग पॉइंट वही है वो जो जिस पे पानी जो है ना वो आपका फ्रीज होता है या पानी आपका मेल्ट होता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल। सर इसको यूज कैसे करना है अभी आपको यूज करके भी दिखाता हूँ, फिर आप अपने इंटर वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेना कि आंसर आपका सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। देखो, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, जीरो है, अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे इसके, 100 थे। कैसे निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना है 32 डिवाइडेड बाय कितने आ रहे थे ये 180 आ रहे हैं। सिमिलरली टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये 100 आ रहा है। ये फॉर्मूले हैं जो हमने एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाए हैं, इससे आप कोई भी टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो बगैर किसी टेंशन के। सर मिसाल के तौर पे कोई सवाल बताइए जरा, मिसाल के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि यार मुझे ये बताओ कि लेट से हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने एक जगह पे थर्मामीटर लाके रखा और जो इसके ऊपर टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस पे वो कितना था 10। अब आपको बोल रहा है बताओ इस वक्त डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ रहा होगा ये रिक्वायर्ड है। आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आपने कहा भाई टी डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो उसका मेल्टिंग पॉइंट था डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिविजन में क्या आ जाएगा आपके पास 180 आ जाएगा, ठीक है? डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है आपके पास, सवाल वाले ने 10 में से जीरो निकला तो वो 10 ही रह जाएगा, और में क्या आ गया 100। टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 180, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जो इसमें कॉमन चीजें कैंसिल हो रही है वो कर दो, ये कॉमन कैंसिल हो गए, एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 80 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 18 विल बी इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। इस वाली चीज को इधर भेज के आप ऐड करा दो तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है, टी डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 18+32 ऐड कर, तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये चीज हमारे पास बन रही है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि इस वक्त जब डिग्री सेल्सियस वाले स्केल के ऊपर आपके पास 10 डिग्री आ रहा होगा तो उस वक्त फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे कितना आ रहा होगा, फ़ारेनहाइट वाले स्केल के ऊपर आपके पास 50 आ रहा होगा, ठीक हो गया? अब जल्दी से एक काम ये करो कि माइनस, अगर मिसाल के तौर पर टी डिग्री सेल्सियस पे जो है ना वो -40 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा हो, जल्दी से मालूम करो यहाँ पे जरा इसको रोक कर कि हमारे पास इस वक्त जो फ़ारेनहाइट है उसके ऊपर क्या इक्विवेलेंट रीडिंग आ रही होगी, ठीक है? तो इसका अगर आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा ना तो वो इसी तरीके से टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमें मालूम करना है, माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया होगा तो आपके पास इसका आंसर क्या रहा होगा, माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपको पता चल गया होगा कि यार ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जहां पे दोनों आपस में क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ठीक है, ये हमारे पास भी एक तरह का क्वेश्चन था, आगे चलते हैं हम जरा। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब सवाल ये आता है थर्मल एक्सपेंशन क्या है, बच्चे जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है उनका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने की वजह से पहले वो जो मिसाल के तौर पर जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है, सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर हो क्या रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब अपनी जगह से फिजिकली कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आप उनको हीट प्रोवाइड करते हो तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, हीटिंग की वजह से होता यह है जनाबे वाला कि उनका जो हीटिंग की वजह से उनका जो फोर्स अप्लाइड बाय देम ऑन द वॉल है
जो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ द सॉलिड स्ट्रक्चर, फोर्स अप्लाइड बाय देम, वो बेसिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी आगे एक्सपेंड हो जाती हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक रॉड थी, अल्टीमेटली होगा क्या कि इसकी जो वॉल है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएंगी, आगे एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है ना, इस चीज को हम कहते हैं कि यार इसके अंदर ना एक्सपेंशन आ गई है। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। अब थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह की है, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन भी तीन तरह की होती है। आपके इल्म में होगा कि हमारे पास जो डायमेंशन है कितनी तरह की होती है, तीन तरह की डायमेंशन होती है हमारे पास। एक हमारे पास होती है एक्स डायमेंशन, एक हमारे पास होती है वाई डायमेंशन, और एक जो स्क्रीन से बाहर जा रही है हमारे पास क्या होती है, जेड डायमेंशन। तो अगर आपके पास हीट करने पे एक डायमेंशन में इजाफा हो तो इसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हीट करने पे दो डायमेंशन में इजाफा हो इसे हम कहते हैं एरियल थर्मल एक्सपेंशन, या इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। जिस जमाने में मैंने एनईडी का पेपर दिया था उस जमाने में पेपर आया था 2015 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन या एरियल थर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर आप तीन डायमेंशन के अंदर इजाफा करा रहे होते हो तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। नॉर्मली आपके पास जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड क्या मतलब, जो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ना, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड जो है ना वो तीनों में से कोई भी डायमेंशन में जा सकता है, 1D, 2D, 3D। लेकिन आपके पास जितनी भी फ्लूइड्स होती हैं, फ्लूइड्स के अंदर आपके पास आती हैं लिक्विड्स और गैसेस। तो याद रखिएगा आपके पास जो लिक्विड्स होती हैं या जो आपके पास गैसेस होती हैं, ये दोनों के दोनों हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहे होंगे, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वजह, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होती नहीं है कि वो किसी एक डायमेंशन में इजाफा हो, क्योंकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, गैसेस के तो बहुत ज्यादा आवारागर्दी करते हैं, लिक्विड के थोड़ा कम करते हैं। तो ये हमेशा क्या शो करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मिसाल के तौर पर अगर हमने पढ़ना हो समझना हो तो देखो क्या होता है। हम कहते हैं चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। जब इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल वन इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा होता है, ये अल्फा हमारे पास कहलाता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या बला है, सबसे पहली चीज तो याद रखना ये एक मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट है या एक मटेरियल बेस कांस्टेंट है। ऐसा कोई भी कांस्टेंट जो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये बताता क्या है, अगर इसको बिल्कुल आसान जबान में समझना होगा, ये क्या बताता है, ये चीज ये बताता है एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लेंथ में इजाफा आएगा, जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, वो अल्फा बताता है ये चीज। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी कि आपके पास एक कॉपर का रॉड है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एक ब्रास का रॉड है, आपने तीनों का टेम्परेचर एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो क्या तीनों की लेंथ में एक जितना इजाफा आएगा, ऑब्वियसली नहीं, किसी की लेंथ में ज्यादा इजाफा आएगा, किसी की लेंथ में कम इजाफा आएगा। तो ये कौन बताता है, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब मुझे अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल वन इंटू डेल्टा टी। अब इसको पढ़ कैसे सकते हैं भाई, देखो इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ अपॉन में है ना, तो पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर लिख भी लेते हैं यहाँ पे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास चेंज इन लेंथ, नीचे क्या है, पर यूनिट इनिशियल लेंथ साथ में पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, या किताब वाले इसे राइज इन टेम्परेचर भी लिखते हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कब होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है तो डेल्टा एल की यूनिट से एल वन की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो टेम्परेचर की यूनिट या तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि डेल्टा टी अभी ऊपर पड़ा है कि चाहे आप केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आंसर विल रिमेन सेम। इसी फॉर्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका, L2 equals L1 into 1 plus alpha delta T, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है जनाब, उसमें क्या होता है, उसमें यही चीज डेल्टा V के साथ होती है, डेल्टा V will be equal to V1 into beta delta T।
या ये बन जाएगा वी टू विल बी इक्वल टू वी वन इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, जिसमें हमारे पास जो बीटा होता है, ये बीटा हमारे पास कहलाता है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या बताता है, जिस तरह वो था इसमें ये बता, वही चीज बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अगर आपने किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ने से इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम में जो इजाफा आएगा, वो बेसिकली कौन बताता है आपको, बीटा बताता है। अब बीटा और अल्फा की आपस की रिलेशन क्या है भाई, बीटा इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये कैसे निकाला भाई, देखो अल्फा क्या था, अल्फा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वन डायमेंशन में था। जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर आप नोट करोगे तो एक अल्फा लेंथ का, एक अल्फा ब्रेथ का, एक अल्फा हाइट का, यानी कि मिला के कितना हो गया, 3 अल्फा। वैसे तो हमारे कोर्स के अंदर वो शामिल नहीं है, जो हमारा होता है ना एरियल थर्मल एक्सपेंशन, इसका जो कोफिशियंट होता है उसको हम गामा से शो करते हैं, इंडियन टेक्स्ट में अक्सर मिल जाता है। अगर मैं पूछू ना अल्फा और गामा की क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे गामा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। क्यों, क्योंकि जो एरियल या सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन होते हैं इसमें कितनी डायमेंशन कंसीडर होती है, 2 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के लिए 1 अल्फा, दूसरे डायमेंशन के लिए दूसरा अल्फा, तो मिला के कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। जब एक बार नोट्स को या बुक को गो थ्रू करोगे तो इसके अंदर बायमेटेलिक थर्मोस्टेट को एक बार लाजमी देख लेना, क्योंकि बायमेटेलिक थर्मोस्टेट के अंदर से या बायमेटेलिक स्ट्रिप के कॉन्सेप्ट में से कोई सवाल पूछा जा सकता है। आज तक पूछा तो नहीं गया, बट नेवरदलेस वो पूछ सकता है, ठीक है, बायमेटेलिक थर्मोस्टेट के अंदर। चलो ये हमारे पास था, ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो गैस होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में हमें एक बेसिक चीज ये पता है कि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। वजह वही जो हमने पढ़ी थी, इनकी इंटरनल एनर्जी से बड़ी तो और कोई वजह है नहीं, और इंटरनल एनर्जी कहाँ से आती है, टेम्परेचर से आ रही होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक कोई क्यूबिकल वेसल कंटेन करता, ये एक क्यूबिकल कंटेनर रखता हूँ, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक कोई क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल कंटेनर या क्यूब की खास बात क्या होती है, क्यूब की खास बात ये होती है कि उसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में कैसी होती है, सेम होती है। तो ये मेरे पास एक कोई क्यूब है, क्यूब की खास बात ये होती है कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। और अगर मैं इसको 1 के बराबर कर लूं, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जिस भी यूनिट में काम कर रहा हूं, अगर मैं 1 मीटर कह रहा हूं तो उसका मतलब मैं ऐसा ही में काम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या कहलाता है, ये अपने पास कहलाता है यूनिट क्यूब। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने इस यूनिट क्यूब के अंदर इंक्लोज किए हुए, तो जाहिर सी बात है ये रेस्ट में तो होंगे नहीं, ये तो मूव कर रहे होंगे, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई यहाँ जा रहा होगा, कोई इस तरफ जा रहा होगा, कोई ऐसे ऊपर जा रहा होगा, कोई इस तरफ जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, ऐसे मूव कर रहे होंगे, ये तो सारे के सारे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो रैंडम मोशन होता है एट रूम टेम्परेचर, ये रैंडम मोशन हमारे पास कहलाता है। ये सारे के सारे जो मैं चीजें यूज कर रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं माजी में आए हुए हैं, ये आ सकते हैं, तो नोट्स इसलिए कह रहा हूँ, बहुत अहम है भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ब्राउनियन मोशन क्या, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर। जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो कभी ना कभी ये जाके इस, ये जो सामने में वॉल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस वॉल से जाकर के टकराएंगे कभी ना कभी। ऑब्वियस बात है भाई, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी जाके तो ये सामने वाली वॉल से टकराएंगे। तो जब ये टकराएंगे तो कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, force exerted by gas molecules on the wall of the container। ऐसे ही होगा ना भाई, जब ये जाके टकराएंगे तो क्या होगा, force will be exerted by gas molecules on the wall of the container। और अगर मैं इसको divide कर दूं इसी wall के area से, किसे divide कर दूं, अगर मैं इसको इसी wall के area से, area of the wall से ही divide कर दूं अगर मैं इसको, तो ये चीज कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, F अपॉन A फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहलाता है ये भाई साहब, ये कहलाता है हमारे पास प्रेशर। तो ये होता है हमारे पास प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स,
प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी आपने पूरी डेरिवेशन पढ़ी होगी जिसके बाद ये फॉर्मूला आता है 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास का। प्रेशर इज 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसके अंदर किससे क्या मुराद है, जो रो है रो से मुराद होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं m into n divided by v। सर हमने तो आज तक m upon v पढ़ा है, आपने m into n क्यों लिख दिया, क्योंकि स्मॉल m से मुराद है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या सिंगल मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर आपको ऊपर टोटल मास चाहिए तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके n है, आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा उस स्मॉल m को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल अमाउंट ऑफ मास मिल जाएगा जो कि गैस के मॉलिक्यूल का है कंटेन। v से क्या मुराद है, v से मुराद वो वॉल्यूम है जिसके अंदर ये आवारागर्दी कर रहे हैं या इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है जनाबे वाला। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कर लो ज्यादा बेहतर है, जिसके अंदर ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये सवाल आता है कि सर ये फिर ये क्या भला है हमारे पास। देखो जरा, सबसे पहले तो इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपको आपकी डेरिवेशन याद होगी तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर सपोज कर लो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल हैं, मैं क्या करूंगा, पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा, दूसरे की वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा, तीसरे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा, अप टिल करते करते nth गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा और इन सबको क्या करूंगा, जमा कर दूंगा, और जमा करने के बाद n से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये जो चीज आप निकाल रहे होते हो ना, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है स्क्वायर एवरेज। ये क्या कहलाती है हमारे पास जनाबे वाला, ये कहलाती है हमारे पास स्क्वायर एवरेज। आप में से जितने लोग आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड रखेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये स्क्वायर एरर भी इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर एरर निकालने का तरीका भी यही है। क्या है भाई, इंडिविजुअल एरर होते हैं उनका स्क्वायर करो, जमा करो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। तो बताने का मकसद क्या है, जब कभी भी आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके जमा करोगे और एन से डिवाइड करोगे, आपको मिलता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसका एक सवाल नस्ट में डायरेक्टली यहीं से आया हुआ है, पास पेपर के अंदर, नस्ट के पास पेपर का क्वेश्चन। उसने कहा कि यार मैंने जो है ना पांच गैस के मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो एक जगह पे बंद किया हुआ है, पांच गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैंने एक जगह पे बंद किया हुआ है। एक की स्पीड दे दी उसने 5 मीटर पर सेकेंड, एक की दे दी उसने 8 मीटर पर सेकेंड, एक की दे दी उसने 7 मीटर पर सेकेंड, एक की दे दी उसने 10 मीटर पर सेकेंड, एक की दे दी उसने 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोल रहे इनका मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम कीजिए। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, और वो क्या है, आप 5 का स्क्वायर करोगे प्लस आप क्या करोगे 8 का स्क्वायर करोगे प्लस आप क्या करोगे 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 10 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, और जितनी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल दिए हुए आप उससे इनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी कि आप 5 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, और इसको आपने डिवाइड कर देना है आखिर में किससे बचे, 5 से डिवाइड कर देना। ये आ गया हमारे पास, बस दिस वॉज ऑल अबाउट। अब अच्छा, आखिर में एक और गेम होती है इसकी यूनिट की। देखो बेटे, इसकी यूनिट जरा समझ लेना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोंगी मारते हैं कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। नहीं बच्चे, मीटर पर सेकंड नहीं होगी, ऊपर देखो तमाम वेलोसिटीज का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही इसकी यूनिट होगी, ठीक है। ये हमारे पास था p equals 1/3 rho mean square velocity, ये हमारे पास था, ठीक है जनाब वाले। अब अगर हम इसी के अंदर आगे चलते हैं और एक दो चीजें और नोट करते हैं, अब हमारे पास ये देखो p equals 1/3 rho mean square velocity आ गई। अगर मैं इसके अंदर mean square velocity को अकेला कर दूं, अकेला करने से मुराद अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूं और बाकी सबको दूसरे भेजूं, तो क्या बनेगा 3p divided by rho बन जाएगा।
अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करता हूँ, यानी कि एक रूट यहाँ पे अप्लाई करा, भाई मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ करो वही काम दोनों तरफ करो। अब ये जो चीज आपके सामने बन के आई है ना, ये जो चीज आपके सामने बन के आई है, ये मेरा बेटा हमारे पास कहला रही होगी VRMS। VRMS बोले तो देखो, पहले रूट आ रहा है इसके अंदर, देखो रेड कलर से बनाया हुआ है ना, पहले रूट आ रहा है, रूट, उसके बाद क्या आ रहा है मीन, उसके बाद क्या आ रहा है स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है वेलोसिटी। ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसकी जो यूनिट होगी ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की यूनिट, ये हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो ना, ऊपर जो ये जो इसका आंसर आ रहा था, इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपने क्या करा, आपने दोनों तरफ रूट ले लिया, जब आप रूट लोगे तो ये स्क्वायर से रूट चला गया यूनिट के अंदर, तो वो आंसर आ गया आपका, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास वी आर एम एस का एक फॉर्मूला तो हमने सीधा कर लिया, वी आर एम एस का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, 3P/ρ, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट भी चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने से क्या मुराद है, अगर मैं रो को ओपन करता हूँ तो रो क्या हो जाएगा, M/V। लोगे सर अभी तो आपने एम के साथ एन भी पढ़ाया था वहां पे, बिल्कुल पढ़ाया था, मैं अभी काम कर रहा हूँ फॉर वन मॉलिक्यूल ओनली। जब मैं वन मॉलिक्यूल के लिए काम करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो कैपिटल एन है, उस कैपिटल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस कैपिटल एन का वैल्यू वन हो जाएगा, यानी कि वो लिखो या लिखो तो बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा VRMS विल बी इक्वल टू 3PV/m। ये हो गया हमारे पास 3PV/m हो गया ये। अब PV से हमें कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, PV equals nRT, PV equals nRT, where n is representing the number of moles। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है हमारे पास। अब अगर मैं इसके अंदर इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये बनेगा भाई VRMS will be equal to, देखो और से 3/m as it is आया, साथ में क्या हो जाएगा PV की जगह पे क्या आ जाएगा nRT, ये आ जाएगा मेरे पास 3/m multiply by n की जगह पे इसका फॉर्मूला आ गया small m upon capital M multiply, अच्छा R की वैल्यू जो है ना वो SI यूनिट वाली लेनी है आपने, यहाँ पे ऐसा यूनिट वाली वो 8.321 वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, याद रखना 0.0821 वाली कंसीडर नहीं करेंगे, वो CGS में केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली अब क्या फॉर्मूला आ गया 3RT/M, ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया। अब देखो, एक फॉर्मूला आपने VRMS का ये पढ़ा, अगर आप नोट करोगे ना, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है अभी अभी, एक फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ लिया 3RT/M। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी से मुराद यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है, याद रखना टेम्परेचर इन केल्विन, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, सिंपल 273 ऐड करते हैं। एम क्या चीज है, एम से मुराद आपके पास यहाँ पे है ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का, जैसे हम कहते हैं ना N2 का ग्राम मोलिकुलर मास है 28, तो वो होता है 28 ग्राम फॉर वन मोल, 28 ग्राम फॉर वन मोल। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ना O2, तो O2 का क्या होगा, 32 ग्राम फॉर वन मोल, एक मोल ऑक्सीजन का मास इतना होगा, और एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी हमें पता होता है, एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना होता है, बेसिकली वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं Na के बराबर, और वो कितना होता है 6.02 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल। अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ ना, नाइट्रोजन का एक मोल है, इसका मतलब 6.02 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे N2 करके, ठीक है, उनका मास हो गया ये 28 ग्राम सबका मिला के। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अंदर हम एक स्टेप और भी आगे लेके जा सकते हैं 3RT/m से, उसको भी देख लो जरा यहाँ पे। देखो,
एक चीज ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला और होता है जो आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सर ये कहाँ से आया, देखो अभी बताते हैं कहाँ से आया। देखो बच्चे, आपको ये पता है कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके बराबर है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, यानी कि 6.02 पावर 23 है। 2 मोल में कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय Na। 3 में कितने होंगे, 3 into Na। समझ आ रही है? आप क्या कर रहे हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप कर क्या रहे हो, आपको ये पता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उससे। ऐसे ही कर रहे हो ना भाई, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, तो आपने बोला एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वाली इक्वेशन है, गौर से देखना जरा, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। अच्छा, ये डेरिवेशन जो है ना वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा जो है ना वो एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में एक न्यूमेरिकल इससे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये चीज बन गई। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूँ, या अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन मॉलिक्यूल, तो फॉर वन मॉलिक्यूल यही रिलेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन में क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये चीज ठीक है ना वाला, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, एक चीज बन गई। ठीक है, ये जो एम है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी को चाहूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम विल बी इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन ए, और अगर मैं दोनों साइड्स को पलटूंगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन एम विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या, ऊपर वाला फॉर्मूला देखो जो मैंने पढ़ाया था, ये √3 RT अपॉन कैपिटल एम। अगर इसको देखो, हमें एक चीज ये पता है कि हमारे पास जो वी आर एम एस है, ये वी आर एम एस बराबर है किसके, √3 RT अपॉन कैपिटल एम के बराबर है। ऐसे ही है, और अंडर रूट भी आ गया यहाँ पे हमारे पास एज इट इज, ये चीज बन गई। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, या वैल्यू सब्सटीट्यूट ना भी करो, आप डायरेक्टली देख लो यहाँ से, आपको ये चीज पता होती है कि हमारे पास, एक मिनट रुकना जरा मैं एक कॉल अटेंड कर लूं। अच्छा, अब देखो, अब ये देखो, ये जो हमारे पास आर होता है ना, ये आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास होता है एक अदद जनरल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। इसी तरह से एन ए क्या है, एन ए हमारे पास होता है एवोगैड्रोस नंबर। एन ए क्या है, एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, अब हमारे पास जो ये आर है ना, ये आर भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से क्या मुराद है, बल्कि जनरल कांस्टेंट है। जनरल कांस्टेंट वो होता है बच्चे जो कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज ना होने से मुराद ये कि हर जगह पे आपके पास ना वो कैसा रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 8.31, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू जो होती है ना हमारे पास वो कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो अभी हमें पता ही थी, 6.02 पावर 23 एटम्स या पार्टिकल्स पर मोल। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं ये आपको कौन बताता है, आपको ये बता रहा होगा। ठीक है जनाब, अब बच्चे गौर से देखना, खुद सोचो, अगर मेरे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 5, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा। यानी कि 2 और 5 को मैं जब भी डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा। इसका मतलब अगर आप एक कांस्टेंट को एक दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी अ कांस्टेंट। ऐसा ही होता है जब आप आर को एन ए से डिवाइड करते हो। आर एक क्या है,
कॉन्स्टेंट, एन ए एक और क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका आंसर हमारे पास आता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से। स्मॉल के हमारे पास कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्मॉल के क्या कहलाता है जनाब, स्मॉल के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिट इसकी क्या हो जाती है, यूनिट इसकी हो जाती है जूल पर केल्विन, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.38 पावर माइनस 23। कैसे आएगा, वही 8.314 को एक बार डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर वैल्यू लिखी है ना, से 8.314 को डिवाइड कर लो 6.02 पावर 23 से, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। और मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1.38 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है जनाब, ये होता है हमारे पास। अब इस सब में बताने का फायदा क्या था, आर अपॉन एन ए आपके पास किसके बराबर है, के के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय एन ए हो जाएगा। अब ये जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूला देखो जरा, अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसमें करता हूँ वी आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3t अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय आगे जगह पे क्या आएगा, k टाइम्स ऑफ n a, k टाइम्स ऑफ n a। अब इसी के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, 3t इनटू k को एक तरफ रहने देता हूँ और कैपिटल m को इस n a के नीचे लिख दो ले आके, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप कल कलाम को भूल भी जाओ ना डेरिवेशन, तो याद आ जाए कि आपने ये फॉर्मूला कैसे निकाला था। ये देखो n a अपॉन m किसके बराबर था, 1 अपॉन m के बराबर था। तो आपके पास यहां से वी आर एम एस का एक फॉर्मूला और निकल के आता है, एंड दैट इज 3kt अपॉन m, जो आपने अपने न्यूमेरिकल वगैरह में अक्सर यूज किया होगा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 फॉर कैलकुलेटिंग द वी आर एम एस, 3kt अपॉन m। इसमें k से मुराद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। t से मुराद एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बस स्मॉल m का ख्याल करना। स्मॉल m से मुराद है मॉलिक्यूल का मास, बेसिकली मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स। इससे मुराद क्या है, मास इन ग्राम। सर आपको कैसे पता चला ये, देखो ये स्मॉल m फॉर्मूले में आया कहाँ से था, स्मॉल m यहाँ से आया था नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन से, और नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन में जो मास होता है, याद रखिएगा बेटे, वो हमेशा किसके अंदर चलता है, ग्राम्स में चलता है हमेशा। अब इसका सवाल पेपर में किस तरह से आता है, इसका सवाल देखो पेपर में इस तरह से आता है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं फाइंड, ये हमारी किताब का क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, फाइंड द वी आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसकी मालूम करनी है आपने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की नहीं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की मालूम करनी है एट 900 केल्विन। 900 केल्विन पे आपने मालूम करनी है। कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी आर एम एस विल बी इक्वल टू 3kT डिवाइडेड बाय m। देखो 3 आपको पता है, k कांस्टेंट है वो भी पता है, t भी पता है, बस मेन मसला आएगा m का। अब देखो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, कैपिटल m जो होता है, वो कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको यहाँ पुट नहीं करोगे, आपने ये निकालना है। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, और एक फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये दो भी अभी अभी पढ़े हमने, इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m विल बी इक्वल टू np डिवाइडेड बाय na। np कितना हो जाएगा, 1। सर आपको कैसे पता चला, देखो मुझे ऐसे पता चला, ये कह रहा था ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि ये कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर दिया, यहां पे 1 कर दिया। स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल m डिवाइडेड बाय na। कैपिटल m कितना है, 2। na कितना है, 6.02 पावर 23। अगर आप विदाउट कैलकुलेटर कर रहे होगे तो इसको 6 लेके सॉल्व कर लेना, मतलब 6.02 को राउंड ऑफ 6 कर लेना, सिंपलीफाई करना, आंसर आएगा। बस ख्याल करना कि यहां से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम बिफोर पुटिंग इट ओवर हियर। इसमें पुट करने से पहले इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, 1 किलोग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। तो अल्टीमेटली हमारे पास किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट t इक्वल्स 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहीं से हमारे पास जो है ना एक काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है,
काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारे पास 3/2 kT, एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT। 3/2 kT का फॉर्मूला यूज करते हैं अगर आपने कभी भी पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक मॉलिक्यूल की तो ये यूज करते हैं, अगर आपने कभी भी एक मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यूज करते हैं। बेसिकली ये 3/2 kT को ही कन्वर्ट किया है, इसी चीज को आपने कन्वर्ट किया है पर मोल के अंदर Na से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर आपका एग्जामिनर बोले ना कि भाई किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालो और वो आपको ये ना बताए कि वो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है या एक मोल की, तो याद रखना डिफॉल्ट कंडीशन ये होगी, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं बताएगा तो आप हमेशा पर मॉलिक्यूल की निकाल के आओगे, अगर उसने पर मोल की निकलवानी होगी तो वो आपको बोलेगा। सिंध बोर्ड का हमारे पास एक क्वेश्चन है, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है, इसको लाजमी सॉल्व करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और पर मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, 3 या 4 या 5 में से कोई क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी टी से मुराद क्या है, टी से मुराद इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अलग अलग बातें हैं। जो मैं कह रहा था ना केल्विन और डिग्री सेल्सियस में चीजें एक ही होती है, वो डेल्टा टी निकालते वक्त था, डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, याद है, क्लियर हो गया। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ईओसी से मुराद हमारे पास है एंड ऑफ चैप्टर की एक प्रॉब्लम है, उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास ना कुछ और डेफिनेशन है जिसके बाद हमारा हीट का जो टॉपिक है ना वो खत्म होगा और थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के ऊपर हम आ जाएंगे। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बेटे जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। क्या होती है जनाब हीट कैपेसिटी? भाई हीट कैपेसिटी होती है, जाहिर है आप किसी भी बॉडी को जब हीट दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने किसी भी बॉडी को इतनी हीट देनी है कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन क्या हो जाए? बढ़ जाए। अच्छा, और उसका मास कोई भी हो सकता है, कोई सा भी मास हो सकता है, यानी कि मास इज नॉट फिक्स्ड, कोई सा भी मास हो सकता है, ठीक है। यानी कि सीन क्या है, सीन ये है भाई साहब कि amount of heat required to raise the temperature of a body of any mass by 1 degree Celsius या 1 Kelvin is defined as heat capacity. Heat capacity का formula हमारे पास क्या होता है भाई? Q equals C delta T, यहाँ पे छोटा सा HC लिख दिया कि ये heat capacity. अब जो ये heat capacity है ना, इसके बारे में एक अजीब सी बात सुनी, heat capacity cannot define the nature of a substance. ये कभी भी सब्सटेंस की नेचर डिफाइन नहीं कर सकता। क्या मतलब सब्सटेंस की नेचर से क्या मुराद है सर आपका? बेटे सब्सटेंस की नेचर से यह मुराद होती है कि जैसे हमें अगर तय करना होना कि कौन अच्छा थर्मल कंडक्टर है और कौन बुरा थर्मल कंडक्टर है, तो ये चीज आप हीट कैपेसिटी से नहीं बता सकते। क्यों? देखो क्यों नहीं बता सकते भाई, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉपर लिया और कॉपर का आपने 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक लिया, एक आपने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का आपने 5 किलोग्राम का ब्लॉक लिया, ठीक है। आपने दोनों को हीट देना शुरू करी 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 और दोनों की आपने हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली। अब क्या दोनों की हीट कैपेसिटी से मुराद है आपने दोनों को इतनी हीट दी कि इनका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया? क्या दोनों को एक जितनी हीट देनी पड़ेगी? अलग अलग, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग देनी पड़ेगी। ज्यादा किसको देनी पड़ेगी? हो सकता है कॉपर को, हो सकता है एल्यूमिनियम को, आप बता ही नहीं सकते अभी, क्यों सर मास ज्यादा हो कॉपर का, लेकिन नेचर में अभी तो फर्क है। तो इन दोनों की जो हीट कैपेसिटी आ रही है, यानी कि जो हीट कैपेसिटी आई एल्यूमिनियम की, दैट इज नॉट इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, हीट कैपेसिटी जो अलग अलग आ रही है, ये डिफरेंस किस वजह से आया है? ये डिफरेंस इनका मटेरियल चेंज होने की वजह से आया है या मास चेंज होने की वजह से? तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप बता ही नहीं सकते कि वो किस वजह से आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? आप ये बात बता ही नहीं सकते कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस नेचर की वजह से आ रहा है या इसकी वजह से आ रहा है। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको अपना केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर याद होगा ना, जो आपने अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी और वो ये थी कि यार अगर मिसाल के तौर पे आपके पास
एक कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे दो से तीन रिएक्टेंट्स हैं, तो उसकी रेट इक्वेशन ऐसे बनती थी, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब अगर आपको ये देखना था ना कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए पे किस तरह डिपेंड कर रहा है और बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करते थे, आप पहले ए को कांस्टेंट करते थे, बी को चेंज करते थे, फिर बी को कांस्टेंट करते थे, ए को चेंज करते, ताकि आपको दोनों का इफेक्ट बारी बारी पता चलना शुरू हो जाए। सेम यही मसला यहाँ पे, अभी यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है क्योंकि मास फिक्स नहीं है और नेचर भी चेंज हो रही है, तो यू कैन नेवर टेल के जो हीट कैपेसिटी में फर्क आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, सबसे पहले तो ये चीज है कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की नेचर बता सकती है। क्या मतलब कि कौन अच्छा थर्मल कंडक्टर है कौन बुरा है। जैसे एल्यूमिनियम बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है, यही वजह है कि हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं खाने के बर्तन वो एल्यूमिनियम के होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने मास फिक्स कर दिया, इसमें आपने क्या फिक्स कर दिया, मास, और वो फिक्स कितना किया आपने, यूनिटी कर दिया। मतलब अब जरा समझना बच्चे गौर से, आप कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो या एल्यूमिनियम की निकालो, अब जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा ना, जो ये अलग अलग आएगा, वो आएगा ड्यू टू द नेचर। कॉपर की जो नेचर है उसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वही है, क्या वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। वही जो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी, डिट्टो सेम डेफिनेशन है, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपने मास फिक्स कर दिया। अब मास को फिक्स करने से क्या होता है कि अब जब आप इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालोगे, तो आप देखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वंस अगेन बराबर नहीं आ रही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम के। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल जाएगा कि यार अब जो इनमें डिफरेंस आ रहा है ना, वो नेचर का डिफरेंस आ रहा है। कॉपर की अगर मिसाल के तौर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा आ रही है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम आ रही है, तो इससे ये सीखने को मिलेगा कि एल्यूमिनियम का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट चाहिए होती है और कॉपर की ज्यादा हीट चाहिए होती है। इसका मतलब एल्यूमिनियम अच्छा थर्मल कंडक्टर है, कॉपर थोड़ा बुरा है। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फिक्स मास बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिटी से क्या मुराद होती है, यूनिटी से मुराद होती है 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, क्यू इक्वल्स एम सी डेल्टा टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला, या छोटा सा एस एच सी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। और अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है किसके, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के। क्यू बोले तो कितना है, जूल, मास कितना है किलोग्राम, और डेल्टा टी क्या है, केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप मास में मेजर नहीं करते, जैसे गैसेस हैं, गैसेस को नॉर्मली हम लोग किस में मेजर कर रहे होते हैं, गैसेस को नॉर्मली हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं। हालांकि गैस को मेजर आप कर सकते हो किलोग्राम में भी, लेकिन नॉर्मली नहीं करते, नॉर्मली किलोग्राम में नहीं करते, मोल में करते, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, वही सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट क्या है भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किस काम के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना, वही डिटो सेम बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, इतना बढ़ाना है आपने। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, इतना आपने बढ़ाना है मोल, ठीक है। और बस फर्क क्या है, जैसे पहले मास फिक्स था, अब आप बात कर रहे हो फिक्स मोल की, यानी कि यूनिट मोल, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो आपके पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यू इक्वल्स एन सी, इसको कर दिया एम एच सी डेल्टा टी। अगर यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट, तो क्या बनेगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो क्या बनेगा, जूल पर मोल पर केल्विन। और यही सेम यूनिट, सेम डिट्टो सेम यूनिट, अभी हमने जनरल गैस कांस्टेंट की पढ़ी थी, याद रखिएगा। तो यही सेम यूनिट किसकी थी, तो एक पास पेपर का क्वेश्चन है ये भी, कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट सेम टू सेम किसका यूनिट होता है, जनरल गैस कांस्टेंट का। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसकी यूनिट निकालू ना, जरा ये इसकी यूनिट निकालूंगा हीट कैपेसिटी की यूनिट, देखो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी,
ये हो जाएगी जूल पर केल्विन, यही सेम यूनिट आपने अभी अपनी बोल्ट्समैन कांस्टेंट की पढ़ी थी। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट सेम टू सेम किसकी होती है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट की होती है, इसकी वैल्यू पढ़ाई थी ना 1.38 × −23, तो सेम यूनिट होती है। ये सब चीजें याद रखना, पूछी जाती है। ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब एक और छोटी सी लाइन लिख लो यहाँ पे, आपके पास जो भी हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट था, हीट कैपेसिटीज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जरा हीट कैपेसिटी का काम होता है टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को क्या करना, बढ़ाना। देखो बच्चे, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो ना, तो हीट प्रोवाइड करने पे दो में से एक काम होता है, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, या उसकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है। और ये जो दोनों काम है ना, ये दोनों काम और के साथ होते हैं। और का मतलब या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, ठीक है। अब जरा समझना है, देखो सपोज करो मेरे पास पानी है, H2O है, वाटर है लिक्विड स्टेट में, और मिसाल के तौर पे ये अभी 10 °C के ऊपर है। मैं क्या करता हूँ, इसे हीट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं इसे हीट कर रहा हूँ। जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सर आपको कैसे पता चला इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी? मुझे देखो बच्चे, स्टेट चेंज हमेशा जो होती है ना, स्टेट चेंज आपके पास या तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगी या बॉइलिंग पॉइंट पे होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का जहां दिल करेगा वहां मुंह उठा के वो स्टेट चेंज कर लेगा। और पानी की स्टेट चेंज की हमें पॉइंट्स पता है, या तो 0 °C है या 100 °C है। तो जब आप हीट दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते मान लीजिए आपके पास ये कहां तक आ गया, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए मेरा बेटा ये आ गया 100 °C तक, यानी कि थर्मामीटर कहां तक आ गया, 100 °C तक आ गया। अब जब ये 100 °C तक आ जाएगा ना, अब भी आप इसको हीट दे रहे हो, लेकिन अब मजीद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे होगे, खुली आंखों से देख रहे होगे आप कि थर्मामीटर के ऊपर मजीद रीडिंग नहीं बढ़ी, 100 पे आगे रुक गई। अब मजीद हीट कहां जा रही है, अब जो एक्स्ट्रा हीट है, अब जो आप 100 °C के बाद में हीट दे रहे हो, एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो बेसिकली आप, तो वो बेसिकली हमारे पास कहाँ जा रही है, वो हमारे पास जा रही है एक्स्ट्रा हीट इसकी स्टेट चेंज करने में जा रही है, ठीक है। तो 100 °C के ऊपर आपका जो पानी है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है, अब वो कहाँ जाएगी, स्टेट चेंज करने में जाएगी। जब स्टेट चेंज हो रही होगी, उस वक्त में इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये जो स्टेट चेंज वाली हीट होती है ना, ये वाली जो हीट होती है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और इसको आप घर पे भी चेक कर सकते हो। अमूमन हमारे पास घरों में क्या होता है, जैसे मैंने तो इसको कई दफा चेक किया है, हमारे पास घरों में क्या होता है, जब दूध वगैरह आता है ना, दूध वाला दूध देने आता है, तो हम उस दूध को क्या करते हैं, उस दूध को उठाकर हम फ्रीजर में रख देते हैं। रात में जब यूज करना होता है तो वो फ्रीज हो चुका होता है। अब हम फ्रीज वाला दूध निकालते हैं और उसको बर्तन में डाल के रख देते हैं। अब वो गर्म होना शुरू होता है, तो आप देखोगे वो जो बर्फ है ना, वो ऐसा ऐसा बिगलती है। आप हाथ लगा के देखना, सराउंडिंग में दूध जमा होता जाएगा, लेकिन वो ठंडे का ठंडा ही रहेगा जब तक सारी की सारी बर्फ डिजोल्व नहीं हो जाएगी या घुल नहीं जाएगी या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो वो है ना दूध, वो मिसाल के तौर पे 0 °C पे मौजूद है। अभी वो जो भी हीट ले रहा है वो स्टेट चेंज कर रही है। वंस ऑल द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट से, अब जो आप हीट दोगे वो उसका टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट से मुराद होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट चेंज। और ये होता है आपके पास कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, याद रखना। इसमें आपका टेम्परेचर कैसा चलेगा, टेम्परेचर आपका इसमें होता है कॉन्स्टेंट, के से मुराद मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट लिया हुआ, ठीक है, परेशान नहीं होता कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये होती है लेटेंट हीट आपकी। लेटेंट हीट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जब आप हीट दो और आपका जो चीज है ना वो सॉलिड से कहाँ आ जाए, लिक्विड में आ जाए, जैसे अभी दूध वाली मिसाल दी थी। एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है आपके पास भाई साहब, कि आप उसको हीट दो और वो आपके पास लिक्विड से कहाँ आ जाए, गैस में। एक लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होती है, बट वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल है, Q equals m into h, इसका भी वही है,
क्यू इक्वल्स एम इंटू एच, ठीक है। अगर लेटेंट हीट की यूनिट निकालनी होगी, फॉर्मूला तो सिंपल था ना, क्यू इक्वल्स एम इंटू एच, एच से मुराद होती है लेटेंट हीट कॉन्स्टेंट, क्या बन जाएगा, एच विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम, तो क्या बन गया, जूल पर किलोग्राम इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेटेंट हीट को डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो आपके पास क्या कहला रही होती है, बेसिकली लेटेंट हीट कहला रही होती है। यहां तक कि हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे ना वो हीट के कॉन्सेप्ट थे हमारे सारे, उम्मीद है यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के आएंगे।